Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. तो आज की इस वीडियो में हम एक मास्क बनाएंगे जो कि आप अपने हेयर और अपने फेस दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. ये मास्क हम बनाएंगे मेथी दाने से, यानी कि फेनेग्रिक सीड से. फेनेग्रिक सीड स्किन के लिए और हेयर के लिए दोनों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है. मेथी दाने में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि स्किन को एज नहीं होने देती. प्लस ये आपके एक्ने और आपकी स्किन के पिगमेंटेशन को दूर करती है और आपकी स्किन को नरिशमेंट देती है. इसके साथ ही इसके हेयर बेनिफिट्स भी हैं. ये हेयर लॉस को प्रिवेंट करती है, आपके बालों में शाइन ऐड करती है, डैंड्रफ को भगाती है, प्लस ये प्री मैच्योर ग्रेइंग यानी आपके बालों को सफ़ेद जल्दी नहीं होने देती. तो चलिए देखते हैं कि इस मास्क को हमें कैसे बनाना है. सबसे पहले आप ल्यूबॉर्म वाटर में यानी कि गुनगुने पानी में फेनेग्रिक सीड को ओवरनाइट सोक कर लीजिए. ओवरनाइट नहीं कर सकते, 5 to 6 आवर्स के लिए आप उसको सोक कर लीजिए. सोक करने के बाद फेनेग्रिक सीड कुछ इस तरीके से दिखेगा. इसको आप मिक्सी में या किसी भी ब्लेंडर में ब्लेंड कर लीजिए और उसका पेस्ट बना लीजिए. उसके बाद आपको इस पेस्ट को छानना है यानी फिल्टर करना है, क्योंकि इसमें थोड़े से लम्ब्स रह जाते हैं और अगर लम्ब्स रह जाएंगे तो फिर वो आपके बालों में स्टक कर जाएंगे. जब आप वॉश करेंगे तो वो निकलेंगे नहीं. तो इसमें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको छान लीजिए. जो छना हुआ लिक्विड है उसको हम अपने बालों में यूज़ करेंगे एंड उसका जो पेस्ट जो रेसिड्यू बच गया है उसको हम अपने फेस पे लगाएंगे. मैं इसको हाफ में डिवाइड कर रही हूँ और बाकी का जो है वो मैं नेक्स्ट डे अपने फेस पे लगा लूँगी. फेस मास्क में मैं 3 to 4 टेबलस्पून्स ऑफ कर्ड ऐड कर रही हूँ एंड हेयर मास्क में मैं 8 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ क्योंकि उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है. प्लस हेयर मास्क में मैं थोड़ा सा लेमन भी ऐड कर रही हूँ क्योंकि लेमन भी बालों में शाइन ऐड करता है और आपके बिल्डअप जो बालों में जो बिल्डअप हो जाती है उसको निकालता है. अगर आप चाहते हैं तो आप फेस मास्क में भी ऐड कर सकते हैं, बट मेरी स्किन सेंसिटिव है तो फिर मैं अपने फेस मास्क के लिए नहीं ऐड कर रही हूँ. मैं सिर्फ हेयर मास्क में ऐड कर रही हूँ लेमन. तो बस अब इसको आप अपने बालों में और फेस पे लगा लीजिए. फेस पे आप 20 to 25 मिनट्स के बाद धो सकते हैं. बालों में आपको 2 आवर्स के लिए लगाना है. उसके बाद आपको माइल्ड शैम्पू एंड कंडीशनर यूज़ करना है और आप देखेंगे कि आपके बालों में कितना अच्छा मैजिकल सा इफेक्ट आ गया है. तो आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डिड देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. मेरा दूसरा चैनल भी ज़रूर चेकआउट करना जहाँ पे मैं मेकअप की वीडियोज़ बनाती हूँ. और मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में. बाई.